हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ाद कट हियर। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये क्विल्टेड हैंडबैग इलस्ट्रेट करना सिखाऊंगी। अगर आपको कोई भी क्विल्टेड बैग शो करना है तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ये बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बैग की सिल्वर ड्रॉ कर लेते हैं, और बैग का साइज़, बैग का डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो मैं अभी बैग की पहले सिल्वर ड्रॉ कर लेती हूँ पेंसिल से, एंड उसके बाद फिर मैं इसकी ब्लैक पेन से आउटलाइन भी कर लूँगी। सो गाइस, सिल्वर ड्रॉ करने के बाद जो हमने हैंडल शो किया है जहाँ पे बैग का, सो वहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लैट पोर्शन शो करेंगे। तो उसके लिए हम पेंसिल से एक रफ लाइन लगा लेंगे, डॉटेड लाइन लगा लेंगे बहुत थोड़े से एरिया में जो हैंडल का एरिया है। सो वो थोड़ा सा एरिया हम बिल्कुल ही फ्लैट शो करेंगे। सो बैग की 3D लुक लाने के लिए वैसे हम शो करेंगे। और उसके बाद हम पहले पैटर्न बनाएंगे लाइंस लगा के, डायगनल लाइंस लगा के। पहले जो बेसिकली जो क्विल्ट का पैटर्न होता है, जो डायमंड्स बनते हैं, स्क्वेयर्स बनते हैं छोटे छोटे, पहले हम वो मार्क करेंगे। सो उसके लिए हम स्केल यूज़ करेंगे, और आपने जो लाइंस के बीच में गैप रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। जैसे मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस शो करने हैं, तो मैंने जो गैप रखा है एक लाइन के बीच में, वो मैंने 0.5 सेंटीमीटर रखा है। अगर आपने बड़े बॉक्सेस शो करने हो, बड़े डायमंड शो करने हो, तो आप 0.7 0.8 सेंटीमीटर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सो मैंने इस बैग में बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से क्विल्ट्स शो किए हैं, तो इसलिए मैंने डिस्टेंस जो रखा है एक लाइन के बीच में, वो 0.5 सेंटीमीटर है। सो डिस्टेंस हम कॉमन ही रखेंगे, मतलब अगर 0.5 है तो सभी लाइंस के बीच में 0.5 ही होगा। ऐसे नहीं है कि एक के बीच में 0.5 कर लिया और फिर दूसरे के बीच में 0.8 कर लिया, तो ऐसे नहीं करना। सभी लाइंस हम मार्क करेंगे एक ही डिस्टेंस के साथ। पहले एक डायरेक्शन में लाइंस मार्क कर लेंगे, और उसके बाद फिर दूसरी डायरेक्शन की डायगनल लाइंस हम मार्क कर लेंगे। जो मैंने एक रफ लाइन लगाई थी पेंसिल से, उसको मैं ब्लैक पेन से ही मार्क कर रही हूँ। सो ये मैंने डॉटेड लाइन लगा ली, और अब मैं पहले बाकी की सारी लाइंस मार्क कर लेती हूँ जो डायगनल लाइंस हमें मार्क करनी है क्विल्टेड पैटर्न शो करने के लिए। तो पहले हम वो मार्क कर लेते हैं। सो ये मैंने 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है दोनों लाइंस के बीच में। सो मैं ये पूरा पैटर्न मार्क कर लेती हूँ पूरे बैग के ऊपर। सो गाइस, अब हम कलर ऐड करेंगे बैग में। सो मैंने पर्पल कलर शो करना है, तो मैंने उसके लिए लाइट पर्पल और डार्क पर्पल दोनों कलर्स ले लिए, और एक हमें लेना है पर्पल कलर का ही फाइन लाइनर। और मैंने यहाँ पे फ्लेयर हॉटलाइन का फाइन लाइनर यूज़ किया है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, और आपको उस कलर का फाइन लाइनर लेना है जो आपका कलर बैग के साथ मैच करे, और उसी के अकॉर्डिंग अब अपने लाइट एंड डार्क शेड्स भी सिलेक्ट कर लेंगे। सो सबसे पहले हम बेस कलर ऐड करते हैं। सो मैंने इसके लिए लाइट पर्पल यूज़ किया है, और आपका जो कलर होगा आप उसके अकॉर्डिंग लाइट कलर सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। पूरे बैग में मैं लाइट पर्पल कलर ऐड कर रही हूँ। कलर ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम वाटर अप्लाई कर देंगे। सो पूरे बेस कलर के ऊपर हम वाटर अप्लाई कर देंगे, और वाटर को अच्छे से ड्राई होने देंगे।
वाटर ड्राई होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने फाइन लाइनर से सारी लाइंस को हाईलाइट करना है, जो हमने ब्लैक पेन से लाइंस लगाई हैं, जो हमने पैटर्न बनाया है, क्विल्टेड पैटर्न बनाया है, उन सभी लाइंस को हमने मोटा करना है और फाइन लाइनर की हेल्प से करना है। ब्लैक पेन नहीं यूज़ करना, जिस कलर का आपने बैग शो करना है उस कलर का आप फाइन लाइनर यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे मैं लाइंस को मोटा कर रही हूँ वैसे ही आप भी सभी लाइंस को मोटा कर लेंगे, सभी लाइंस को हाईलाइट कर लेंगे। सो गाइस, कोशिश करना कि जब भी आप ब्लैक पेन से पैटर्न बनाएं तो आप नॉर्मल जेल पेन ना यूज़ करके माइक्रोन पेन यूज़ करें, जिसकी टिप बहुत ही ज़्यादा बारीक हो, ताकि जो हमारी ब्लैक पेन वाली लाइंस हैं वो पतली ही शो हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने जो बेस कलर लिया था पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर, उससे हमने स्क्वेयर्स की फिलिंग करनी है। बट हमने पूरे बॉक्स को फिल नहीं करना, जो एक बॉक्स है उसके सेंटर में हम वाइट छोड़ देंगे, मींस लाइट छोड़ देंगे, और उसके कॉर्नर्स के अराउंड हम फिल कर लेंगे। सो सेंटर में लाइट छोड़ देना है, एक बॉक्स के सेंटर में लाइट छोड़ देना है, बस उसके कॉर्नर्स के अराउंड फिलिंग कर लेनी है। और जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम फिर से फाइन लाइनर यूज़ करेंगे और एक कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स का राइट कॉर्नर सिलेक्ट किया है, सो बस राइट कॉर्नर जो है उसकी जो दो लाइंस है उसको हम फाइन लाइनर से मार्क कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। सो आप देख रहे हैं कि मैं हर बॉक्स का जो राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर के साथ जो दो लाइंस हैं, उन दोनों लाइंस को मैं फाइन लाइनर के साथ हाईलाइट कर रही हूँ, थोड़ा और ज़्यादा डार्क कर रही हूँ। सो आप भी ऐसे ही कोई भी एक कॉर्नर अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सभी बॉक्सेस के उसी कॉर्नर को ऐसे ही फाइन लाइनर की हेल्प से हाईलाइट कर देंगे। जो बैग का साइड पोर्शन है जो थोड़ा सा शो हो रहा है उसको नहीं हाईलाइट करना, उसको ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम डार्क पर्पल कलर लेंगे। सो लाइट नहीं लेना, डार्क कलर लेना है। डार्क पर्पल कलर से हम एक बार फिर से जो पूरा बॉक्स है उसको हाईलाइट कर देंगे, सिर्फ सेंटर में लाइट छोड़ देंगे, बाकी पूरे बॉक्स को हम डार्क पर्पल कलर यूज़ करके, मींस डार्क कलर यूज़ करके हम हर एक बॉक्स को ऐसे ही हाईलाइट कर लेंगे, सिर्फ सेंटर में लाइट छोड़ देंगे। जो साइड पोर्शन है बैग का, उसके जो डायमंड्स बन रहे हैं, जो बॉक्सेस बन रहे हैं, उसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। इसके लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं, चाहे तो लाइट कलर यूज़ करके भी हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे तो डार्क कलर यूज़ कर लें। बस हल्का हल्का सा हाईलाइट करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, साइड पोर्शन को ज़्यादा डार्क नहीं करना। गाइस, हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वाइट कलर से मैंने स्टिच लाइन जो है वो मार्क कर दी है। सो बस ऐसे ही करना है आपको, हर डायगोनल लाइन के ऊपर आप वाइट पोस्टर कलर से लाइंस बना देंगे, डॉटेड लाइन बना देंगे, स्टिच लाइन जैसे हम शो करते हैं, स्टिच लगा हुआ शो करते हैं जैसे हम, वैसे ही हम हर एक लाइन के ऊपर वाइट पोस्टर कलर और जीरो नंबर का ब्रश यूज़ करके ये डॉटेड लाइन मार्क कर लेंगे, ये हमारी स्टिच लाइन शो हो जाएगी। सो आप देख रहे हैं कि मैं वाइट पोस्टर कलर को यूज़ करके डॉटेड लाइन मार्क कर रही हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में फाइन लाइनर से डायगोनल लाइंस हाईलाइट करी थी वो इसीलिए करी थी ताकि उसके ऊपर जब हम वाइट पोस्टर कलर अप्लाई करें तो वो विजिबल हो। तो जो हमने डायगोनल लाइंस मार्क करी थी स्टार्टिंग में स्केल से, जिनके ऊपर बाद में हमने फाइन लाइनर यूज़ किया था पर्पल फाइन लाइनर, उसके ऊपर हम वाइट पोस्टर कलर यूज़ करके ये स्टिच लाइंस मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ के डायगोनल लाइंस के ऊपर हमें स्टिच लाइंस शो करनी है। और गाइस, ऑलमोस्ट क्विल्टिंग के स्टेप्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह गया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम सारा बाकी का बैग कंप्लीट कर लेते हैं, बैग में शेडिंग कर लेते हैं, जिससे कि बैग की जो लुक है वो नेचुरल आए और 3D लुक आए। सो उसके लिए मैंने डार्क पर्पल कलर और ब्लैक कलर, ये दो कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। और थोड़े बहुत साइड के एरिया में जो हमने फोल्ड शो करने हैं तो वो भी हम इन दो कलर्स को यूज़ करके शो कर लेंगे। सो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ।
गाइस जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम हर एक स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी तीखे बन रहे हैं तो उसको हम राउंड कर देंगे। बेसिकली हर एक स्क्वायर को हम राउंड कर देंगे और सेंटर में कुछ नहीं करना, सेंटर में लाइट ही छोड़ देना है। बस उसके जो कॉर्नर्स हैं हर एक स्क्वायर के वो हम राउंड कर देंगे और उसके लिए हम डार्क पर्पल कलर यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे डार्क पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ। आपका जो बैग का कलर है उसके अकॉर्डिंग आप डार्क कलर यूज़ करके हर एक स्क्वायर के कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे ताकि थोड़ा क्विल्टेड इफेक्ट अच्छे से आए। तो बस यही स्टेप है लास्ट कि हर एक स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं उसको हमने राउंड कर देना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। जो हमने स्टिच लाइन मार्क करी है वो आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी शो होनी चाहिए जैसे हमने मार्क करी थी। सो सिर्फ जो हर एक स्क्वायर का अंदर का पोर्शन है उसके कॉर्नर्स को हम राउंड कर देंगे और सेंटर पोर्शन को भी नहीं छेड़ना, वो भी जैसे लाइट है लाइट ही रहना चाहिए। सो गाइज मैंने पूरी इलास्ट्रेशन कंप्लीट कर ली और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है बैग की। आप भी इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत प्यारे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, क्विल्टेड हैंड बैग के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।